मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह मेहरबान तो कदम आप उष्णा के साथ बैठे हुए थे ये बताइए सेट This is Rabia You're me on और आज हमारे जो गेस्ट हैं मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही कि मैं इंट्रोडक्शन कैसे कराऊँ क्योंकि मैं थोड़ी सी ओवरवेल्प भी हूँ अच्छा हो जाए आई रियली लाइक अबाउट एवरी टाइम जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं और कोई भी कैरेक्टर हो वो छा जाते हैं और मैं ये सिर्फ बोल नहीं रही कि मेरे सामने बैठे हुए अभी आपको भी नज़र आएगा कि कौन है बट आई रियली फील कि बन ही कम्स उनका चाहे वो सिंपल कैरेक्टर हो चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड हो किसी और एवटार में हो वो इतने जेनविनली वो एक्सप्रेशन देते हैं दैट यू लाइक इट यू इन्जॉय वॉचिंग हिम सो अब वो शायद लोग क्या कहेंगे कि साध हों या वो मुकद्दर के जागीरदार हों या वो बशर मोमिन में हों या वो नाराज़ में हों मैं बात कर रही हूँ फैसल कुरैशी साहब की और आज मेरे गेस्ट हैं एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी टॉकिंग टू यू थैंक यू थैंक यू सो मच अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सॉरी मैंने आपको सलाम नहीं किया ऑडियंस को कर दिया एक ही बार हमारा पहले हो गया था हां हां एक्चुअली दैट्स दैट्स ट्रू जी पता फैसल जब मैं आपके इंटरव्यूज़ देख रही थी वो एक प्रो, प्रोसेस होता है कि रिसर्च करो थोड़े इंटरव्यूज़ देखो देख, जानो कि क्या है तो मुझे दो चीज़ें बड़ी स्ट्राइक की आपके बारे में एक तो आई लव द फैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर डॉटर आपने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से आप हर बार उसके लिए टाइम निकालते हैं hmm. मुझे वो इत, आयत नाम है ना hmm. मुझे वो इतनी अच्छी लगी बात कि यू नो यू सेड कि मैं कितनी भी देर से शूट वापस मैं मैं सुबह उसके उसके लिए जरूर उठता और और फिर बाद एक और शो देख रही थी वो आपके घर का टूर हो रहा था एंड सीन से क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछते हैं कॉफी या चाय तो शी से, आपने कहा आपकी रिलेशनशिप कितनी अच्छी है और आप कितने हैं उसकी जरूरी है, I think, बच्चों को साथ लेके चलना बिकॉज़ uh, सिर्फ बच्चे नहीं होते आने वाले वक्त में माशरे को एक फ़र्द मिलता है सो बीग अ पेरेंट मेरे ख़्याल से ये फ़्राइज में शामिल है हम लोगों के कि बच्चों को इस तरह से ट्रेंड करें uh, और नॉर्मली uh, मैंने ये नोट किया है कि बेटियां जो हैं वो ज़रा बाप की तरफ ज़्यादा होती हैं Uh, अभी रिसेंटली मैंने अपनी गाड़ी के साथ एक हरकत की मेरी बीवी जो है वो यूं थी कि क्या कर किया है और यूं है फलान माय डॉटर वाज यू नो शाउटिंग के बाबा क्या हाँ, बात न? है वाओ हाँ, जबरदस्त हाँ, तो मैंने कहा बस मैंने कहा मेरा वोट आ गया मुझे और कुछ नहीं चाहिए <laughs> तो ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं है। हाँ, 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 आपकी वीडियोज भी देख रही थी जो यूट्यूब पर वो तो मैं खैर कोविड के टाइम से ही देख रही हूँ आपके सहरी का टाइम और उस पर मुझे उसमें भी बड़ा मज़ा आता था हाउ यू वुड हर इन एवरी थिंग मुझे वो हाँ। बहुत अच्छी लगी बात लाइक like, आप उसको जिस तरीके से ट्रीट कर रहे थे वो इक्वल पे ट्रीट कर रहे थे इट वॉज नॉट लाइक ए आप उसको ऊपर से कोई भी दुनिया में ना सीख के नहीं आता आपने जो सीखा हुआ होता है वो आपको आपके ऊपर फर्ज हो जाता है कि आप वो आगे सिखाएं सो वो चाहे रहन सहन है चाहे पहनना ओढ़ना है या बात करना है या खाना पकाना है या जो शौक़ है Hmm. Uh, वो पेरेंट से मिलता है बच्चों को yeah, yeah. तो वो इसीलिए uh, so, हाँ, तो जब भी मैं पका रहा होता हूँ मैं उसे कुछ कटवाता हाँ, रहता हूँ हाँ. कुछ ना कुछ करवाता रहता हूँ तो जरूरी है वैसे भी वो घर में उसको बहुत शौक है तो फेवरेट एक्टिविटी क्या है उसके साथ करने uh, खाना ऑब्वियसली हाँ आप लोग मिलके मूवीज वगैरह देखते हैं बिकॉज़ आई सॉ आपने नीचे यू मेंशनड आल्सो कि वो पूरा थिएटर है व्हिच आई रियली लाइकड यू नो थैंक यू तो उसके साथ देखते हैं हां हाँ, जो बच्चों की फिल्म्स होती हैं वो बिल्कुल हाँ, वो मेरे साथ बैठ के देखती है वो हां खाने की बहुत शौकीन है मेरी तरह वो वैसे मुझे समझ नहीं आती हाउ डू यू मैनेज आई मीन लुक एट यू माशाल्लाह माशाल्लाह आपने मतलब मैं अब सामने बैठी हूं तो आई कैन लुक एट हिम क्लोजली मोर क्लोजली देन यू गाइस द स्किन पे भी मुझे इतनी अच्छी स्किन इतना सब कुछ हाउ डू यू मैनेज दैट मुंह पे Ah. बहुत ज़रूरी है so you really uh, control what आ, बिल्कुल करना पड़ता है वरना मैं तो आप मेरी अभी जो लॉकडाउन की दिनों की वीडियोस हैं वो देखें उसमें अच्छा खासा वजन अच्छा खासा नहीं हल्का सा नहीं, नहीं नहीं, नहीं अच्छा, अच्छा खासा था मैंने अभी 16 किलो कम किया है ओह माय गुडनेस सीरियसली यस फॉर दिस न्यू प्रोजेक्ट ओके ओके लेकिन व्हाट आर फाइव थिंग्स जो आप रूल है कि ये नहीं मुझे खानी या इस टाइम से नहीं खानी या इस तरह नहीं खानी वो लोगों के होते हैं ना कि सात बजे के बाद चॉकलेट नहीं खानी सात बजे के बाद मीठा नहीं खाना नहीं, आपके कोई मैं तो वैसे ही आठ बजे के बाद खाना नहीं खाता एक तो ये, ये तो, मूवी जब देखते हैं बजे के, तो, के बाद बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं अच्छा ये जो मंच होती हैं ना ये बहुत बुरी होती हैं ये सीरियसली फिर उसके बाद जो डोंट्स हैं उसमें चीनी चावल रोटी केक्स इस तरह की जो चीज़ें हैं चीट करता हूँ कोई दो तीन महीने में दो महीने में अभी मैंने अपनी लास्ट अपनी बर्थडे पे चीट किया था अब सोच रहा हूँ कि आयत की बर्थडे है उस दिन चीट करूँगा सो so, कोई चार महीने का गैप बहुत जरूरी है तीन महीने आज हमारे दो इंटरव्यूज थे तो मैं रात को बहुत देर तक जाती रही मैंने कोई 500 तो खा ली होंगी बिकॉज मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक और चिप्स का पैकेट निकाला लाइक like, <laughs> तो... है नॉर्मली मैं पीता नहीं हूँ और मेरी बेटी को भी पता है मैं नहीं पीता हूं। hmm. कभी मैं पी रहा होता हूँ तो वो यूँ देख रही होती है अच्छा कि कि मैंने कहा नो uh, थोड़ा सा जो आप उसके लिए सेट कर हाँ। रहे हैं तो हाँ। तो मैं पीता ही नहीं तो वो कभी अगर कुछ भी नहीं है तो फिर वो आप एक पी लेते हैं uh, चार। चार। में कुछ भी वो कहते हैं, पहली जो होती ना बच्चों की वो बच्चों की माँबाप के लिए माँ बाप के लिए ज्यादा पहली लेकिन अब सात साल की हो रही है

बड़ा शौक़ था बचपन से शौक़ था मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक्सीडेंटली एक्टर बनाऊँ नहीं नहीं बचपने सेपेयर ये स्टेज किया पैरन कूपर मुनिजा हाशमी जमील बिस्मिल इन लोगों के साथ मोहम्मद निसार हुसैन यावर हयात नुसर ठाकुर जो हमारे पीटीवी के डायरेक्टर्स थे बचपने से उनके साथ काम किया मेरे ख़्याल से मैं आठ नौ साल का था तब से आबद अली साहब वाला जन्ना नसीब करे या फिरदौस साहब फ़िद जमाल या ख़याम अंकल अल्लाह जन्नः नसीब करे ये लोग ले जा मुझे बिठा देते थे और इनकी बड़ों की बड़ी बड़ी बातें चल रही होती थी बड़ी फिलोसफिकल और मुझे पता ही नहीं होता था कि क्या बातें कर रहे हैं पर मैं बैठा रहता था मुझे ज़बरदस्ती बिठा देते नहीं बैठो तो।, तो वो सारा उन्होंने जो मेरा मेरा मदर बोर्ड है वो इन लोगों ने क्रिएट किया तो था के करना ही यही है और कुछ नहीं करना है। तो मुझे कोई इंसिडेंट करता करता दोस्तों के, साथ सब के सामने करता था कभी नहीं शर्मा कहीं डांस कॉम्पिटिशन होता था ऐसी कहीं गलियों में तो वहाँ जाके डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लेता था डांस भी करता था सब की आवा फिल्मी हूँ बचपन से हाँ तो नदीम बेग साहब की आपको सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी लगती है बेग साहब की बहुत सारी फिल्म्स मेरी बहुत फेवरेट है, uh, 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 हैं बट ऑब्वियसली बंदिश एंड लाजवाल बहुत ज्यादा क्लोज है आईना बहुत मुझे आएना पसंद थी थैंक गॉड उसका रीमेक बना तो उसमें इन yeah. लोगों ने मुझे ले लिया या दैट मस्ट बी सच एन ऑनर आप कितने खुश हुए होंगे ना बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू कभी सोचा था कि ऐसा होगा कि मैं नहीं कभी भी नहीं हाँ। uh, मैं तो छलांगे मार रहा था हाँ। मुझे पहले पता चला कि आईना जो है बन रही है और उसमें शान साहब हैं तो मैं था कहा अच्छा तो आई डूइंग सम मैं कोई और फिल्म कर रहा था uh, फिर जब पता चला कि आईना भी आ गई है तो मैंने कहा मैंने कहा नहीं मैं आईना करूंगा ये किसी से भी करवा लें तो प्रेशर नहीं था कि नदीम साहब को बहुत प्रेशर था ऊपर से उसके अवार्ड शोज हुए नदीम साहब सामने बैठे हुए यू इमेजिन के जान निकली हुई थी yeah. जान निकली हुई थी ऑबवियसली कभी yeah, yeah. तो आयत को मैं ये भी सुना था मैंने आपकी एक इंटरव्यू में कि आपने कहा कि मैं आयत को भी अक्सर सेट पे बुला लेता हूं जब वो स्कूल से आप अगर मैं नहीं मिल सकती हां वो आपके डायरेक्टर के साथ बैठती है उसकी कुछ वीडियोस हैं आप देखें <laughs> शेरेजात के साथ बैठी हुई है मुकद्दर के सेट हाँ, पे हाँ, वो हाँ, हाँ, हाँ

चांद से आया है तो फलाना यूं तो हम मान जाते थे नहीं। नहीं। इन बच्चों को नहीं मना सकते अब नहीं। 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 इनको लॉजिकली समझाना पड़ता है एक एक नहीं। 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 चीज़ कि ये यूँ है ये इसलिए है ये फ़लाँ है हमसे ज़्यादा तो मैं एक दिन बैठा हुआ मेरा छोटा फरमान जो है मैंने कहा पता नहीं कब बोलेगा ये तो आयत मुझे कह रही कहती बाबा जब तक इसके दांत नहीं आएंगे तब तक नहीं बोलेगा तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कहती ऑबियसली वरना वो जो टंग है वो प्रॉपर काम नहीं करती जब तक दांत नहीं होते एक्चुअली ये तो. मतलब उसने बड़ी रीजनेबल बात आपको लॉजिक बताई है उसने मैं उसकी शकल देख रहा था मैंने कहा अच्छा ये सही है भाई तो आजकल के बच्चे हैं so, सो मैं इसलिए बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं Uh, या जो देखने वाले उनको मैं समझाता कि आजकल के बच्चे को बेवकूफ ना बनाएं। बट आपको लग रहा है कि जो आपके साथ पूरा प्रोसेस हुआ जब आप सेट्स पे जाते थे एंड यू सो मच आप खुद अभी बता रहे हैं आयत के साथ भी दिमाग में ऐसी दिखाती है अच्छा करती है मुझे कोई इशू नहीं है हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है बच्चे अपनी okay हाँ बताएं, करते हैं को जब कोशिश मैं बहुत बुरा ऑफ कैमरा एक्टर हूँ ये आप मेरे किसी भी दोस्त से पूछ सकते हैं आप असलम अच्छा। को फोन करके पूछ लें आप नवीद रजा को मैं इनको पकड़वा देता हूँ बल्कि उल्टा ऑफ कैमरा एक्टिंग नहीं होती <laughs> कि कोई पकड़वाया उसका सीन हमें कोई सिचुएशन नहीं मतलब कोई आ, मतलब ऐसी बात कर मेरी हंसी हाँ। निकल जाती है अच्छा मतलब आप कुछ वो सपोर्ट वो नहीं कर पाते हाँ। वो जो किस्सा चल रहा होता है एक दफा एमी मैं और सोहेल जावेद सड़क पे रुके और सोहेल सोहेल जावेद जो है ऑफ कैमरा बड़ी एक्टिंग करता है अच्छा सो वो उतर के उसने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया मैं भी आगे से थोड़ी देर मैं कोशिश की कि मैं उसके साथ

आई नो कि आपने बहुत मेहनत की और आप स्टेज पे भी पहुँच गए हैं लेकिन मैंने बहुत से लोग देखे जो स्टेज पे पहुंच के भी खुश नहीं होते मुतमिन नहीं होते आप मुझे बड़े खुश लगते हैं How do you achieve मैं, this? आ, मैं ना मोमेंट जो है hmm. उसमें जिंदा okay. जो गुजर गया उसमें जिंदा नहीं हूँ जो होने वाला है उसके लिए मर नहीं रहा हूँ बस अल्लाह ने वो एक वो सिस्टम चलाया हुआ है hmm. वो चल रहा हूँ जो मोमेंट होता है हाँ बस ये होता है कि आ, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है जैसे बाइकिंग करके निकाल ली क्रिकेट खेल लिया फैमिली के साथ टाइम दे दिया दोस्तों को घर बुला लिया आ, कहीं बाहर घूमने चले गए फ्रस्ट्रेशन hmm. होती है ऑब्वियसली होती है बिकॉज सेट्स पे भी कई दफ़ा आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते हैं आ, काम करते हुए बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे होते हैं वो आप नहीं कर पा रहे होते हैं Uh, या और बहुत सारे reasons होते हैं बिकॉज uh, सेट पे दस किस्म के अलग दिमाग के लोग भी होते हैं या इवन uh, घर पे भी uh, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कुछ सोच रहे होते हैं आपकी बीवी कुछ और सोच रही होती है uh, या आपके फ्रेंड्स कुछ और सोच रहे होते हैं बट uh, मेरे ख्याल से uh, जो मैं एक जो मेरी आदत है मैं मानता हूँ कि हर एक की एक अपनी ओपिनियन होती है सो uh, so मैं उसको बड़ा ओन करता हूँ आपकी अपनी ओपिनियन है मेरी अपनी ओपिनियन है मेरा कोई ड्रामा चल रहा है अगर उस पर कोई क्रिटिक जो है आ, वो मेरे ड्रामे के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है या उसको बुरा भला भी कह रहा है तो मैं ये कहता हूँ कि ये उसका ओपिनियन है ये उसको ऐसा लग रहा है मुझे लग रहा है सही है ठीक है अब आपका ओपिनियन बैठ के आपने सामने फिर या तो मैं आपको कायल करूँगा या आप मुझे कायल करेंगी तो वो कुछ चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं, हैं। तो आप क्रिटिसिज्म तो आपको बुरा नहीं लगते? नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी नहीं चाहे हाँ। वो कितना ही कोई भी कितना ही वो... कोई मतलब तबला बजा दे मेरा हुँ, हुँ। मैं कहूँगा अच्छा शायद इन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है तो विल वर्क ऑन इट ओके हाँ अब लेकिन अगर वो कंटिन्यूटी का भांड है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है अगर स्क्रिप्ट ऐसा है जो कि कॉपी है और शायद मुझे नहीं पता था वो कॉपी है hmm. या मुझे पता भी था कि वो इंस्पिरेशन है किसी hmm. जैसे मेरा नाराज था yeah. वो सीधा सीधी इंस्पिरेशन था एक फिल्म से hmm. आ, मैंने कहा ओके फाइन मैंने कहा मैं ओन करता हूँ बिकॉज आई लव द स्क्रिप्ट तो या और कोई ऐसी चीज़ होती है आ, कोई मेरे एक्सेंट के ऊपर शायद उसने वो ना सुना हो जो मैंने सुना हो सो so, हर एक का एक अपना एक्सपीरियंस होता है जिस एक्सपीरियंस पे वो बात करता है तो so, सामने वाले की ओपिनियन सुन लेनी चाहिए mm -hmm. हर बोलने वाला गलत नहीं हो सकता आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड आई 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 एम होपिंग दैट आई कैन फॉलो द सेम थिंग बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप इस तरह का काम कर रहे हो जहाँ दस लोग आपकी बात को आगे से किसी भी तरीके से जवाब दे सकते हैं या कमेंट दे सकते हैं यू वोंट बिलीव फहद नया नया था हम एक सीन कर रहे थे फहद ने आगे मेरे कान में एक चीज़ कही और मैं उसको यूँ देख रहा था कहते सॉरी भाई आई एम सॉरी भाई आई एम सॉरी मैंने कहा नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट तो वहीं करके खड़ा हो गया और मैं सोचता रहा मैंने कही यार एब्सलूटली रहा बिल्कुल सही कह रहा है ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह सो बात ये होती है कि कभी हम किसी के कान में जाके कुछ कह देते हैं या कोई आके हमारे कान में कुछ कह देता है सीन करते हुए आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं लेकिन कोई एक एक पॉइंट होता है जो आपको नहीं मिल रहा होता अगर नहीं मिल रहा होता तो कोई सामने वाला एक्टर या डायरेक्टर या कोई बैठा हुआ सेट पे जिसको वो नजर आ रहा है और मुझे नजर नहीं आ रहा है तो अगर आके कान में कहता है और वो वाकई वो वही पॉइंट है तो टक करके लगता है जाके सो नहीं। नहीं। so, इसमें नहीं नहीं। नहीं। uh, अगर वो कुछ बोल रहे है तो शायद वो आपकी भलाई के लिए आपका वजह से बहुत सारी चीजें सही हो रही है फिर गई सो so, वो शॉर्ट में फ़र्क आया थोड़ा सा तो डायरेक्टली अब्दुल्ला भाई ने मुझे कॉल की है कि फैसल अब्दुल्ला भाई इज़ द प्रोड्यूसर उन्होंने कहा तुम नाराज़ हो मुझसे मैंने कहा नहीं तो कहते फिर ये तुम कैसे कर सकते हो मैंने कहा भाईजान इतफाक से हुआ है क्योंकि मैं आठ दिन के बाद छूट पे गया हूँ सो मे बी उस फ्रेम ऑफ माइंड से मैं निकला हुआ था मैंने कहा मैंने कहा मैं दोबारा करूँगा वो सीन तो उन्होंने कहा ओके फाइन तो इन चीज़ों से ये फ़र्क पड़ रहा है आप खाने पीने के सीन देखें पहले आप बैठ के करोड़ों की बातें कर रहे होते थे चने बिरयानी और नान रखे होते थे अब आप देखें टेबल्स किस तरह से बाकायदा डिक्योर होती हैं वाड्रोब किस तरह से वाड्रोब पे काम होता है एक एक चीज़ पे काम हो रहा होता है सो ये बहुत ज़रूरी था चलो देर आए

हम सिंगापुर में होते थे हमारी एक साल की कम्प्लीट uh, हुआ था और हम पाकिस्तान आए थे एंड वी वांटेड टू मेक अ वीडियो एंड वी वांटेड कि फैसल उसमें uh, कुछ uh, बोले और आपने हमें टाइम uh, दिया और अपनी अपनी uh, रिहर्सल हो रही थी वो छोड़ के आए मुझे याद है मैं कहीं से कभी रिपोस्ट करूँगी उसमें पूरा आपने हमें वीडियो पे बोल हाँ, के बताया इन हमने कुछ बोला इन्होंने उसको ज्यादा अच्छा कर दिया और वो लाइन हमारी बन गई थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान टू सिंगापुर ये आपने लाइन दी थी मैं आपको बताऊं और वो लाइन फिर हमने सब सक... सबसे बुलवाई हमायूं से भी बुलवाई हमायूं सईद साहब से भी बुलवाई और भी तीन चार लोग निकल गए हाँ वो आपको याद नहीं कर लेकिन मुझे बहुत अच्छी तदा है और फिर वो हम ऊपर भी गए आपने कहा नहीं ये बीटीएस भी देखो और सब कुछ सो आई आई स्टिल रिमेंबर यू यू टुक आउट टाइम फॉर हम कहा कुछ भी नहीं थे हम अभी भी कुछ नहीं है अच्छा मुझे ये बताएं कौन से आपके फेवरेट फाइव सीन्स हैं कैरेक्टर्स हैं कौन से आपके फेवरेट फाइव कैरेक्टर्स हैं अब तक जितने भी किए अगर मैं आपसे बोलूँ पांच वेरी डिफिकल्ट मुझसे लोग अक्सर ये पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप बता दें कि आपके दस बच्चे हैं hmm. उसमें से फेवरेट कौन से हैं चलिए मुझे ये बताए पांच जिन जिनके लिए आपने इंस्पिरेशन हमारे सीनियर एक्टर से लियो और आपने उनका कुछ ना कुछ उसमें डाला कोई तीन तीन से से चार चार मेरा एक सीरियल था इब्ने आदम आदमे उसमें कवि अंकल बहुत ज्यादा इंस्पायर था मैं Uh, मेरा एक ड्रामा था बशर मोमिन नुमान एजाज okay. uh, कैसे किया था उसमें क्या चीज़ डाली उनकी आपने क्योंकि एक आपने है नुमान भाई का एक हाँ, अंदाज़ है अच्छा, uh, वो मोमिन में डाला आपने ऑबियसली uh, मेरा एक, एक अपना अंदाज है तो लेकिन एक एक इंस्पिरेशन मैं जिसकी लेता हूँ मेरा एक सीरियल था रंग लागा तलत हुसैन उसमें तो मैंने बाकायदा उनकी आवाज़ ही बना दी थी मेरा एक सीरियल था झुमका uh, जान तो मुझे उसका गेटअप नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने खालिद अहमद साहब से मैं मिला और मैंने कहा सर मैंने कहा मैं आपको बेचने लगाऊँ गेटअप में <laughs> तो अंदाज़ मैंने उसका कुछ और रखा था लेकिन जो गेटअप था वो खालिद अहमद <laughs> साहब का था फिर अभी रिसेंटली मुकदर था मेरा yeah. uh, सो? शफी मोहम्मद oh, शाह wow, वो एक 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 हाँ, uh, उस character की जो feel है, जो body language है, है। हाँ, तो कैसे आ, करते हैं आप जब आता है, तो आप फिर अपने दिमाग में जाके पूरी वो लाइब्रेरी में से निकालते हैं और फिर करते हैं अच्छा ये वाला यहाँ हाँ, और नदीम साहब या फिरदौस साहब या आबिद अली साहब इन लोगों को तो मैं ये वैसे ही जो है इन लोगों से मैं बहुत कुछ मैंने निकाला हुआ तो आई आई लर्न लॉट फ्राम आबिद अली साहब एंड फिर जमाल साहब एंड नदीम साहब तो वो वो इन लोगों का कुछ ना कुछ तो मैं करता रहता हूँ अलग अलग जगहों पे एग्जैक्ट नहीं किया लेकिन मुकद्दर में जब मैंने पढ़ा था तो पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आया और मैं सीरियसली मैं बड़ा ओपन होके मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ बिल्कुल ओपन हो के कुछ पहले नहीं सोचता ना मैं डायरेक्टर से पूछता हूँ ना मैं राइटर से बात करता हूँ पहले मैं किसी से बात नहीं करता मैं कहता हूँ पहले स्क्रिप्ट भेजें पहले मैं वो पढूंगा वो पढ़ता हूँ ओवर नाइट उसको जाने देता हूँ एक दो दिन लेता हूँ उसके बाद में फिर मिलता हूँ तो वो जो वो जो प्रोसेस होता है पढ़ने के बाद वाला उसमें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से कोई छुपी हुई चीज़ जो है वो निकल के उस कैरेक्टर को बिकॉज एक एक्टर होने के नाते ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में और उसके साथ उसकी एग्जीक्यूशन होना एक्टर yeah. के लिए ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं सो so उस पर बहुत काम करना पड़ता uh, फिर आप पकड़ाई भी ना दें yeah. कि मतलब ये ना लगे कि बिल्कुल कॉपी कर बिल्कुल रहे हैं। आप कॉपी कर रहे हैं हाँ। बिकॉज आप आपका एक अपना अंदाज़ है हो और हाँ सो इस क्योंकि मैं डॉक्टर बनने लोग जाते हैं तो ऑब्वियसली वो जो रिसर्च uh, होती हैं या जो सारी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं डॉक्टर्स के वो आप yeah. सारे रीड करते हैं आप लॉयर बनते हैं आप सारी बुक्स yeah. पढ़ते हैं आप एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं uh -huh. आप जाके बैठते हैं आप देखते हैं कि किस तरह से केसेस को हैंडल किया जाता है uh -huh. किस केस को किस तरह से हाउस okay. प्रैक्टिस uh, होती है डॉक्टर्स की इंजीनियर्स uh -huh. की uh -huh. इन सब का ये सारा काम तो तब जाके वो लोग लो कुछ बन कुछ बनते हैं एक्टर मुझे एक्टिंग आती है मैं एक्टर बन गया हूँ और बात ख़त्म हो गई नहीं रिसर्चेज हैं चाहे वो उसमें हॉलीवुड है चाहे उसमें बॉलीवुड है चाहे उसमें आपके अपने टी इंडस्ट्री के लोग हैं या आप जिससे भी इंस्पायर हैं आप उसके रंग को जब चुराते हैं और उसके रंग से फिर आप मजीद रंग जब बनाते हैं तो फिर वो कैरेक्टर के अंदर बहुत जान आ जाती है लोग क्या कहेंगे आप क्यों पिक किया वो मतलब

जो एजाज़ का कैरेक्टर है और वो यही था कि रात को ही वॉज़ परफेक्टली फाइन और उसका सुबह एक मैसेज आया फेसबुक पे, और उसके एक घंटे के बाद आ, हमें कॉल आई कि उसने अपने आप खुदकुशी कर ली सी बात बड़े अरसे से फंसी हुई थी लेकिन आ, जब अब्दुल्ला सेजा आए मेरे पास और उन्होंने आके मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाया तो मैं काफ़ी देर मेरी आंखें भरी हुई थी और मैं रो रहा था तो मुझे कहने लगा क्या वो है मैंने कहा कुछ नहीं मैंने कहा कुछ दोस्त हैं जो इस चीज़ से हैं काफ़ी पेनफुल है काफ़ी पेनफुल है एक तरफ हम ये बात करते हैं कि अगर आप फ्री में लोगों को ये चीज़ें दिखा रहे हैं तो आप उनको फैंटेसी दिखाएं आप उनको हंसाएं उनको उनको, उनको इंजॉय करें वो लोग दूसरी तरफ हम जब बेटर रियलिटीज पे जाते हैं तो लोगों से वो डाइजेस्ट भी नहीं होती है hmm. नाराज़ भी मेरा डाइजेस्ट नहीं हुआ था लोगों से hmm. इसी वजह से उसमें मेरा फॉल था. Uh, था मतलब मेरा फॉल था okay, उसमें था? मेरे कैरेक्टर yes, का तो वो लोगों से वो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ बिकॉज़ hmm. hmm. वो भी एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी थी सो uh, so, लोग क्या कहेंगे करते हुए बहुत सारे सीन थे जिसमें हम हम बहुत तकलीफ जैसे मेरा हैवान था मैं मैं उसके चार सीन के बाद मैं ज़मीन पे गिर जाता था बिकॉज उसमें तो वो गिल ट्रिप था उस अपने कैरेक्टर का mm. तो वो मैं हाथ जोड़ लेता था मैं कहता था मैं और नहीं कर पाऊँगा इसमें तो वो सारा ट्रिप जो है वो सहीफा का है आई एम आई एम जस्ट सपोर्टिंग हर लेकिन वो गुस्सा भी है mm. वो तकलीफ भी है mm. uh, कि मेरे दोस्त ने मेरी एक दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया है मैं यही जानना चाहती थी क्या दो चीज़ों ने आपको कंपेयर किया बिकॉज ये सहीफा आपका है कैरेक्टर बट आप जैसे आपने बोला आप व्हीकल हैं सहीफा को लेके जाने के लिए सहीफा इस वन जिस पे सारी लाइम लाइट आ रही है सो so, मेरा तो, एक सवाल था जब हम ये ड्रामा कर रहे थे hmm. तो जब मैं अपने कैरेक्टर का स्केच देख रहा था तो मैं पूछता था कि क्यों ओके okay. साद का होना क्यों जरूरी है क्यों वो अकेली लड़की सब कुछ नहीं कर सकती ये एक्चुअली मेरा भी सवाल मेरा है मेरा भी सवाल है तो कहते थे आप हमारा माशरा तो एक एक डिवोर्स्ड लड़की या, या एक एक विडो जो अकेली रहती हो वो तो बहुत इजी टारगेट है किसी के लिए भी हमारे मुल्क में उनको पता है, है कि भाई ये तो कोई मसला ही नहीं है वो तो हर कोई ये समझता है कि अगर ऊपर से वो तलाक या होता है वो तो फिर आप समझेंगे वो लोग समझते हैं मोहल्ले में कि भाई ये तो ये तो समझेंगे लॉटरी लग गई हमारी सोच है घटिया सोच है जिसको बदलने की ज़रूरत है दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग इन लोग क्या कहेंगे और दूसरी चीज़ दिमागों में बैठा दिया गया कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते ट्रैक really ऐसे ही रहे अभी पता नहीं है क्या-क्या होगा। लेकिन अभी तक दोनों दोस्त हैं। really like और हम दिखाएं कि हो सकता है। लेकिन मेरा अभी एक दोस्त है जिसकी डिवोर्स हुई हुई है अकेला है मैं कई दफ़ा उसको देखता हूँ कभी कभी मैं उसको कहता हूँ कि तू शादी ना कर फिर मैं उसको कहता हूँ जब वो बीमार होता है या वो अकेला होता hmm. है तो फिर मैं, मैं कहता हूँ कि यू नीड समय तुम्हें जरूरत है बिकॉज hmm. uh, hmm. एक एक hmm. एक औरत को मर्द की है, एक मर्द को एक औरत की बड़ी दे दिया आपने हमें चले देखते हैं ठीक है एक एक बड़ी जरूरत होती है सो कई दफ़ा कई लोग अकेले भी जिंदगी गुजारते हैं hmm. लेकिन वो अंडरस्टैंड करते हैं जिनकी माओ ने उनको पाल पोस के बड़ा किया है या उनकी बड़ी बहनों ने उस फैमिली को सपोर्ट किया है जिसने अपने बाप को सब कुछ करते हुए देखा है और उसने देखा है कि उसकी माँ सिर्फ घर में रही है और उसकी माँ से खाने पकाती रही है या घर साफ करती रही है उसकी ये सोच नहीं हो सकती नहीं। ये बात तयशुदा लेकिन साथ आ, उसको वो सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि वो उसको अपने टाइम से ग्रो क्यों नहीं करने दे सक रहा और जो हमने दो एपिसोड्स पहले या कुछ एपिसोड्स पहले तो हमने देखा कि वो उसको एक डायलॉग बोलती है कि मैं समझती थी कि मेरे हस्बैंड के बाद तुम ही मुझे सबसे ज़्यादा समझते हो वो बाद में गाड़ी चलाते हुए भी सोच रहा होता उसको बड़ा हिट करता है ये चीज़ तो क्या है वो एक्सपेक्टेशन्स साध और उसकी कहीं कुछ गलत मतलब गलत तो नहीं मतलब एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है क्या हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रही है आई फील कि शुरू में मुझे लग रहा था कि साध उसको देर आई टाइम टू ग्रो ऑन इज ऑन हर ओन एंड ऑल दैट अब मुझे लग रहा है साथ बहुत स्पून फीड करना चाह रहा है साथ भी आ, इसी, मा, मा, इस, इसी 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 माशरे का है हाँ। और वो भी कंफ्यूज okay, हो गया ओके दैट्स अ वेरी गुड आंसर आपने बिल्कुल सही बोला वो भी तो इसी माशरे का, का है इसी माशरे का है उसकी थिंकिंग भी तो यही होगी यही होगी बिल्कुल हाँ। और यही है बट द प्रॉब्लम इज कि उसकी जो सास है जो सहीफा की सहीफा की नहीं मीरब की मीरब सॉरी सो इस बार तो बहुत आ, की। तो मीरप तो मीरब की जो सास है वो हालांकि इसकी खाला है साथ की पर वो काफ़ी उन्होंने तंग की हुई है ज़िंदगी उस नहीं। लड़की नहीं। के ऊपर और ब, असल जो साथ का इशू है वो दोनों बच्चे हैं ज़्यादा उसने उन बच्चों को जिस तरह से नीचे आते हुए देखा है या जिस तरह से उनकी खुशियों को ख्वाहिशात को मरते हुए देखा है So, वो बहुत अनबेरेबल है साथ के लिए तो वो कहता है कि बस इन बच्चों के लिए किसी तरह से तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी okay. तो ये एक एक पॉइंट है जिस पर सम हाउ मैं अग्री करता हूँ साथ से hmm. कि हाँ ये पॉइंट मुझे समझ आता है hmm. कि बच्चों के लिए कई दफ़ा हाँ हम सभी अपनी अपनी जगहों पे कुछ चीज़ें कहते हैं कि नहीं यार बच बच्चों के लिए करना पड़ता है सम टाइम yeah. तो वो एक पॉइंट एक है hmm. और अगर कोई औरत अकेले ज़िंदगी गुजारना चाहती है अगर कोई मर्द अकेले ज़िंदगी गुजारना चाहता है ये उसकी अपनी चॉइस है कई लोग हैं जिनके जहनों से आ, उनकी बीवी या उनका शोहर नहीं निकलता या एक ताल्लुक़ ऐसा रहा हुआ होता है कि वो उससे नहीं निकल पाते और जो चीज़ मीरब के हस्बैंड ने की है जो कैरेक्टर एजाज़ ने प्ले किया है वो बहुत शॉकिंग है उसके लिए वो नहीं निकल पा रही अभी एक 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 बड़ा मज़े का सीन आएगा अच्छा। आगे और उसमें इन दोनों की हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है okay. uh, मीरा, साथ, मीरा साथ की uh -huh. जो कि बहुत ज़रूरी थी मुझे लगता है एंड सोफिया आई थिंक डन अ ग्रेट जॉब सोफिया खुरम जो राइटर है uh -huh. uh, वो सोफिया ने उस पॉइंट को टच किया है जाके okay. जो हम सोच रहे थे और हमें नहीं पता था कि ये आएगा आगे सो uh -huh. so, वो पॉइंट टच हुआ एंड uh, मोसन का मैं बहुत इस मामले पे वो खुद बहुत टची इंसान है डायरेक्टर uh, जो है so, उसने बहुत अच्छे तरीके से वो लेके चला सर मुझे एक चीज़ पे थोड़ा सा मैं आ, मुझे होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हैं साद और मीरभ की मीरभ और उसकी सास की और साद और उनकी माँ की मुझे लगता है थोड़ा सा वो भी ना एक तो वैसे ही हम बहुत दुख देख रहे हैं रियल घर तो इतना सा है ना नहीं लेकिन थोड़ा फॉरवर्ड मूव करके या कोई और एक्शन आते जैसे हारून का जब आ रहा था तो फिर हो रहा था थोड़ा ना पिछली दो हाँ तीन किस्तों से मुझे कॉन्वर्सेशन ज्यादा लग रही है हाँ वो थोड़ा हो रहा था कि अच्छा ठीक है पता था कि क्या होगा फिर भी यू नो इट वॉज ही कुछ एंगल स्क्रिप्ट में आ जाते मतलब वो जो टाइम पीरियड है उसको स्किप करते हैं हाँ कॉन्वर्सेशन कम करके बिकॉज ऑलरेडी अगर लोग क्या कहेंगे स्ट्रगल हल्का सा कर रहा है फॉर व्यूअरशिप तो फिर मुझे लगता है ये चीज़ें और थोड़ी सी उसको कॉम्प्लिकेट कर देती हैं उसके रस्ते को उसके सफ़र को आ, तो ये मुझे लगता है मैं, मैंने मैंने कोई पिछले आठ एपिसोड देखे नहीं है ओ, okay. मैंने मिस किया है मैं बिकॉज uh, मैं अभी शूट पर हूँ आराम से बैठ के देखूँगा तो फिर मैं

Uh, जो कि बहुत पेनफुल थे बिकॉज़ होता ही है कि आप जब किसी के उसी दर्द को दोबारा से एक हल्का सा पिंच करते हैं ना और उसको वही दर्द दोबारा महसूस होता है तो वो काफ़ी पेनफुल होता है आई नो uh, uh, मुश्किल है उन लोगों hmm. के लिए बट मैं सॉरी भी करता हूँ पर देखें कुछ पॉइंट्स हैं इट्स नॉट अबाउट कि एक आदमी ने खुदकुशी करनी है उसने कर ली वो मर गया आप तो मर गए एक तो आपने हराम मौत अपने गले डाल ली ठीक है फिर जो वो सारी ज़िंदगी आपके बच्चे और बीवी के साथ हो रहा है वो, वो कौन झेलेगा वो औरत झेलेगी वो बच्चे झेलेंगे या तो आप पहले अपनी बीवी को और बच्चों को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दें कि बीवी अपना सब कुछ कर सकती है बच्चे आपके इस काबिल हो गए फिर आपने ख़ुदकुशी करने का आपको शौक है आप कर लें लेकिन उनको छोड़ के अकेले आपने आप तो आपने उधार देना है आपने फलां करना है आपने कहा भाड़ में गया सब मैं तो मर जाऊं तो आप सेल्फिश हो गए ना बिल्कुल सेल्फिश हो गए तो नहीं सोचना है किसी रिलेशन में सो दिस इज द पॉइंट जो कि एक बहुत जरूरी और जितने आपके पाऊ हैं उतनी जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाए मतलब साथ अच्छे पैसे कमाता है लेकिन उसके बावजूद उसने एक नॉर्मल गाड़ी रखी हुई है नॉर्मल लाइफ है उसकी कोई वो महंगे कपड़े नहीं पहनता आप देखें वो शायद दो या तीन कोट हैं मेरे पास उसमें जो मैंने पूरे सीरियल में पहने जानबूझ के मैंने ज्यादा कपड़े नहीं बनवाए इंपॉर्टेंट so ये कितने मजे की बातें बता रहे हैं आप हाँ so important? और मेरे खास चार शर्टें या पांच शर्टें होंगी मेरी हाँ। और तीन या चार पैंट्स हैं okay, जो कि मैंने रिपीट कर करके कर, कर कर जान के हाँ। जो है वो रिपीट कर करके कर पहने हैं कपड़े सो मैंने कहा था कि ये फजूल खर्च आदमी नहीं है वो कोई महंगी घड़ी नहीं पहनता वो कोई महंगे कपड़े नहीं पहनता कोई महंगे जूते नहीं पहनता मतलब यू वोंट बिलीव द लास्ट डे ऑफ शूट मैंने अपने जूते उठा के फेंके हैं बोर हो गए थे नहीं वो फट गए थे वो अच्छा तो मैंने जूते नहीं चेंज किए हैं पूरे पूरे सीरियल में हालांकि वो गरीब आदमी नहीं है उसकी आठ सात आठ लाख रुपए तनख्वाह है उस आदमी की बट देर आर पीपल जो कि बड़ी अक्लमंदी के साथ जब आपको ज़रूरत नहीं है यू आर नॉट इन शोबेज to show off everything yeah. you know true wo aap ek normal zindagi guzar rahe hain aapka kaam hai subah uthte hain aap office jate hain office se aap wapas aate hain to aapko in sare shashkon ki zarurat nahi hai bas aap bachchon ko achhi taleem dilwa dein bilkul that's the most important that's the most important yeah. thing yeah. Yeah. थोड़ा हम लाइटर मोड पे आए ओके okay. मैं कुछ नाम लूंगी टेल मी वन थिंग जो आपने इन लोगों से सीखी हो या आप इंस्पायर हुए हो इन okay. लोगों से किसी भी इनकी किसी चीज़ से मदिया इमाम बहुत फोकस है अच्छा बहु... तो बहुत तारीफें आपकी करती हैं बाई आप बहुत, है <laughs> बहुत प्यारा बच्चा है वो हमारा बहुत प्यारा बच्चा है वो वो इतनी फोकस है अ, अपने काम पे <laughs> कि कई दफ़ा ना वो मतलब बोर करने लगती है अच्छा <laughs> फिर आप थोड़ा सा जाके हाँ तो मैं तो वो फिर वो है ज़रा वो एक अलग दुनिया की है वो हाँ अच्छा हमायूँ सही था यार हिमायू बहुत इंटेलिजेंट है मैं ये बात हमेशा कहता हूँ शायद है पर बहुत इंटेलिजेंट है और जो वो सोचता है वो वो करता है, okay. है हाँ डिटर्मेंट है।, है जो उसने सोच लिया है हाँ। वो वो करेगा ओके okay. ये एक बात कोई एग्जांपल दे सकते हैं कभी उन्होंने कुछ जिक्र किया और फिर उन्होंने वो कर नहीं अब मतलब एक दौर में जब कोई फिल्म नहीं बना रहा था हिमायूँ खड़ा हुआ है उसमें मैं बनाता हूँ बनाइए उसने सो या वो जिस तरह के प्लेस करता है जब आपको पता है कि आपको उसका प्रॉफिट नहीं है उतना hmm. उसके बावजूद आप कह रहे हैं अच्छा ठीक है मैं बनाता हूँ सो दिस इज वॉट आई डन इन बशर कि नहीं है ना प्रॉफिट ना सही बनाता हूँ yeah. लोग आप आज भी याद है लोगों को बिल्कुल सजन उस उसकी ये एक, एक, एक की है उसकी hmm. वो जो करती है वो नेचुरली करती है वो उसकी ये चीज़ तो मैंने देखी है आपने लास्ट उनका उसके मेरा यार मिला उसके बाद आप नहीं हम काम नहीं कर पाए मुस्तफ़ा एनर्जी हिज एनर्जी बहुत काम करता है वो मैं नहीं कर सकता इतना सीरियसली हाँ। मैं अगर चाहूँ भी yeah. तो लोग मुझे कहते हैं कि आप इतना काम करते हैं तो मैं कहता हूं हाँ लेकिन जब उसकी शूट नहीं होती है तो मैच भी खेल रहा है तो स्क्रिप्टिंग पे भी काम कर रहा है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि वो एक अच्छा ख़ासा क्रिएटिव इंसान है जो कि बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं जिसमें पीछे उसका ब्रेन चल रहा होता है सो एनर्जी हिज एनर्जी आयजा खान बहुत अरसे से काम नहीं किया मैंने आयजा से uh, एक अधूरी औरत किया था और उसके बाद काम ही नहीं किया है बहुत प्यारी uh, बहुत प्यारी है यू यू द ओनली एक्टर वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स जो मतलब आपने मतलब कौन सी हीरोइन से लेके आज तक सब के साथ तकरीबन लोगों के साथ ट्रांजिशन कैसा है ये कभी सोचते हैं कभी सोचा है बैठ के कि यार लेकिन मुझे ये बताएं आपने क्या ऐसा क्या क्या बोलेंगे आपके आपके साथ बहुत से लोग जिन्होंने स्टार्ट किया वो अब सपोर्टिंग रोल्स कर रहे हैं या वो नहीं है नजर भी नहीं आ रहे हैं लेकिन आप अभी तक हीरो आ रहे हैं व्हाट <laughs> व्हाट इस चीज़ का? क्या 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 चीज चीज का वुड यू कॉल के आपने की लक या बोलेंगे आप मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान बस hmm. बात खत्म मेरा कोई कमाल नहीं है कोई कमाल नहीं कोई कमाल नहीं एक्टिंग दिमाग खुलावा तो वाईफाई का कनेक्शन है hmm. उस उस कनेक्शन को बरकरार रखना चाहिए बस मैं ये कहता हूँ ज्यादा क्लस्टर ना करें दिमाग को बहुत ज्यादा सोचें नहीं Do you think you changed with the time? आपने अपनी खैर वक्त के साथ साथ चीजें लर्न करते हैं ठीक है तो वही मैं कह रहा हूं कि दिमाग को खुला रखें ओपन रहे okay, जो लोग फंस जाते हैं अटक जाते हैं hmm. फिर वो रस्ते में भी रुक जाते हैं okay. तो ये ये बात समझने वाली है okay. जवानों को पीरों का उस्ताद कर hmm. वो वाली बात जो है वो बहुत yeah. ज़रूरी है सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका अफेयर yes. hmm. yeah. स्पाइस है लव स्टोरी है लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट फैंटेसी है, है? है okay. Uh, मैं डिप्रेशन दे दिया लोग क्या कहेंगे थोड़ा सा मुकद्दर में भी डिप्रेशन दे दिया है अच्छा इसमें हमें कोई डिप्रेशन होना थोना नहीं होगा थोड़ा बहुत होगा okay. लेकिन कोई इतना डिप्रेशन नहीं होगा डिप्रेशन नहीं है आई मीन मजे का स्क्रिप्ट है आसिम मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको कोई एक चीज है कि वो बड़ा कमाल लिख देती हैं कभी कभी कुछ आपने उनका देखा था प्यार के सबके जब हाँ मैंने बिल्कुल देखा था okay. बशर मैंने उनका किया है भीगी पलकें किया है मैंने yeah. उनका सो yeah. so, मुझे हमेशा से बहुत अच्छी राइटर लगती है ऊपर से सिराज okay. फिर सबसे बढ़ के जो पीछे प्रोड्यूसर्स okay. हैं आ, बहुत जो कंटेंट डेवलपर हैं या जितने भी लोग हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं एक एक चीज़ पर तो अल्लाह उनकी मेहनतों को कामयाब करे साथ में हमारा भी तुक्का लग जाएगा हाँ, हाँ ये वाली बात लेकिन है। आ, बहुत बड़ी कास्ट है माशाल्लाह से हाँ काफ़ी सारे लोग काफी लो भी है, किरन हैं आप किरण है हिबा है हिबा, हिबा के साथ मैंने पहली दफ़ा काम किया किरण के साथ आफ्टर सो मेनी इयर्स मैंने काम किया वाहज के साथ ही पहली बार आप नहीं नहीं, नहीं इससे हाँ पहले मैंने हैवान में बेटा बना था मेरा सो अच्छा हम दोनों का तो एक अच्छी दोस्ती है स्क्रिप्ट में ऐसी क्या चीज़ थी विच मेड यू से यस क्या नया आ रहा है मतलब अच्छा आप लोग देखेंगे okay. तो आप लोग उसको रियलाइज करेंगे एक एक कॉम्प्लेक्स है इस कैरेक्टर का और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेट पे कभी कभी हमें भी फ्रस्ट्रेट करती हैं कि यार ये अगर यूँ हो रहा है तो ये क्यों यूँ हो रहा है इसको तो बस ये ऐसे करके यूँ हो जाता mm -hmm. तो सिराज हमेशा आगे से मुझे कहता है तो फैसल भाई ड्रामा कहाँ से आता तुम मैं यूँ करके चुप हो जाता हूँ हाँ ये भी बात है सो वो जो एक एक ड्रामे वाला एलिमेंट है वो बड़ा मज़े का है इसमें फिर रिलेशन बड़ी जो एक सबसे अच्छी बात है मैं पहले भी ये बात कह रहा था हम सब वक्त के साथ साथ सीखते हैं सो okay. so इस ड्रामे में जो सबसे अच्छी एक बात है जो की पॉइंट है इसका कि आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें और अभी जलन पे तो बड़े मसले हो रहे हैं दो दफा बैन भी हो चुका है थोड़ा बैन कैसे कर तो सकते हैं बैन में इन कुछ ये हो बैन कैसे कर सकते हैं बैन हो गया था फिर अनबैन किया मेरा तो नहीं मेरा तो ये सवाल है कि बैन कैसे कर सकते हैं yeah. आप रेगुलरिटी के थ्रू आप नोटिस भेज सकते हैं exactly. आप सेंसर कर सकते हैं बैन कैसे कर सकते हैं कैमरा ने किया था अच्छा Yeah. It, दो दिन के लिए नहीं कास्ट हुआ था हाँ। टेलीकास्ट हुआ था जनन फिर शायद इस वजह से ज्यादा हिट हो गया एग्जैक्टली yeah, exactly. <laughs> मतलब हाँ. जिन्होंने नहीं भी देखा उन्होंने जाके देखा होगा और इसी वजह से उडारी भी बहुत हिट हो गया okay. प्लीज बैन कीजिएगा फेयर को <laughs> so not... जियो बंद हो गया था बशर के दिनों में Seriously? हाँ. I don't remember तीन एपिसोड के बाद बंद हो गया था तो फिर फिर बशर हिट हो गया था प्लीज बैन कीजिएगा बट आई थिंक बशर ब्रॉट अ डिफरेंट फ्लेवर उस तक तो जो ड्रामे बन रहे थे नहीं लेकिन आजकल के दिनों में होता तो बहुत बकबक होती बहुत बकबक बिकॉज़ उसमें जिस तरह से वो रुदाबा को करता है वो रुदाबा के साथ लेकिन मैं आपको बताऊं उसमें रिडेम्पशन क्या थी उसके लिए क्योंकि लास्ट में वो माफी मांगता है और उसको ले जाते हैं पुलिस राइट मुझे जितना याद है सो आई फील फॉर अ पर्सन लाइक हिम उसकी सजा उसको मिल रही थी कि उसकी ईगो उसकी इज्जत

आई नो लाल कबूतर इज क्लोज टू या या तो उसको क्यों नहीं करते है? नहीं उसी को री रन कर दें री रन कर दें। लेकिन वो भी वही वाली बात है कि वो इतना डिप्रेस्ड है हुँ. कि उतना डिप्रेशन है उसके अंदर तो वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हुँ. इस तरह की चीज़ें आप पोर्टल्स पे बर्दाश्त कर लेते हैं बिकॉज आप अपनी मर्जी से देख रहे हैं फॉरवर्ड भी कर सकते हैं फॉरवर्ड भी कर सकते हुँ. हैं बट फ्री टू एयर में मैं वाक़ ये चाहता हूँ कि आप अच्छी आ, मज़े की स्टोरीज बनाए uh, कुछ सिखाना है तो वो भी इन लाइटर वे बिल्कुल सीखाएं okay, okay. तो वो ज़्यादा जरूरी है सो आई सी यू डूइंग आपने माशाल्लाह से साढ़े आठ साल होस्ट किया hmm. uh, फिर अब दोबारा आप कर रहे हैं बोल इंस्टाग्राम टॉक हाँ इंटरेस्टिंग है वो तो कभी आपने ये सोचा कि मतलब इतना एक्सपीरियंस है आपके पास कोई सजेशन दी कभी या इतने आपके दोस्त आई I मीन mean, एक शो ऐसा भी बनाया जाए 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 पे दी जाए लोगों को? ऐसा नहीं मैं अभी एक, एक अपने, अपने शुरू कर रहा हूँ देखे हैं दो आप हाँ नहीं, कि अब, अब, अब वो तो बिल्कुल अलग थी लेकिन ये है कि वो देखें जिसने सीखना है उसने देख के भी सीख लेना है जिसने नहीं सीखना उसने खड़े होके सामने बैठ के भी नहीं सीखना तो आ, हाँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ देते रहेंगे उसमें okay. ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट so, है so, मैं, मैं आप अगर यूट्यूब पे जाएं तो दुनिया के बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके ट्यूटोरियल्स पड़े हुए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप एंड मेरा मकसद सिर्फ ये कहना नहीं है कि एक्टिंग uh, को सिर्फ दिखाने का मेरा मकसद ये भी है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव ज़रा सा हम कंटेंट लेकर आए उसके, उसके मैं आपको बताऊँ उसके उसके उसके, <Talent> उसके, उसके, उसके व्यूज होंगे मेरे पे न, और जहाँ मैं कॉन्ट्रोवर्शियल करूँगा उसके व्यूज़ होंगे पर हम तो नहीं कर सकते बताएं मैंने इतने साल शोज किए हैं उसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैं एजुकेशन के ऊपर या सोशल इशू जो बड़े इंपॉर्टेंट है जब शो करता था हर उस शो के तीसरे दिन या दूसरे दिन मुझे जे जे ऑफिस में बुला के जलील करता था hmm. उसकी वजह यह है कि मैं रेटिंग ही नहीं होती थी और जिस दिन आपने हल्ला गुल्ला किया नाच गाना किया मस्तियाँ की रेटिंग हो गई भी आसमान पे hmm. फिर लोग गालियाँ देते हैं हमें hmm. तब तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता मैं इस वजह से अपने आप को मैं तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता जो करना है आप ऑन ग्राउंड रियलिटी में करें जो आपने अच्छे काम करने हैं बाकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा बैठ के लोगों को समझाने की okay. क्योंकि बचपने से आप क़ुरान पाक पढ़ते हैं हुँ. लेकिन उसके बावजूद भी आपको हर कदम पे किसी ना किसी से उस चीज़ को समझना पड़ता है सो so आप अगर नहीं समझना चाहते हैं तो आप सामने आप चाहे किसी के घर में ही पैदा हो जाएं आप नहीं समझेंगे और आप अगर समझना चाहते हैं तो आप बेशक मैं कहता हूँ कि आप नौ मुस्लिम हैं आप सब समझ जाते हैं सो जिसने समझना है उसने समझना है जिसने नहीं समझना है उसमें नहीं समझना है। mm -hmm. ठीक है ना सो एवरी टाइम आ जब भी कोई आता है हमारे पास तो हम हमेशा मैं जैसे मैंने आपसे बोला कि डायलॉग्स बहुत लंबे हो, हो गए कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हो गई मैं लोगों से बहुत से लोगों से मैं बोलती हूँ ऑडिशन्स क्यों नहीं होते डायरेक्टर्स मेरे पास आते हैं आई आस्ट लॉट ऑफ नॉट डेट कि वी आर एनी बिटी हम तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम एफर्ट कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं हम बोल रहे हैं ऑडिशन्स होने चाहिए ताकि थोड़ा और टैलेंट आए थोड़ा और क्लैरिटी फेयरनेस आए मे बी कॉन्टेंट और टैलेंट में तो उसी तरीके से लो, तो लोग मुझे आगे से बोलते हैं कर लो जो भी करना है कुछ नहीं चेंज होना मैं एक बात हुँ। आपके हुँ। प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहता हूँ नए लोग आ रहे हैं नए लोगों को बिल्कुल आप सपोर्ट करें लेकिन बहुत सारे पुराने ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है yeah. जिन्होंने बहुत बहुत अरसा इस इंडस्ट्री को दिया है सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल दी प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स

Uh, बिल्कुल होते हैं ऑडिशन आप जाएंगे अगर आपको किसी ऑडिशन के लिए बुलाया जाए किसी या अगर, आप बोलेंगे कि बस नहीं 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 अगर उनके कैरेक्टर में अगर ऐसा लगता है कि उनको मेरे ऑडिशन की जरूरत है सो so, बिल्कुल और अगर ऐसा कोई चैलेंजिंग काम है तो व्हाई नॉट मैंने अभी दिया है ऑडिशन एक चीज के लिए अच्छा शेयर हाँ, नहीं कर सकते नहीं कोई इंटरनेशनल चीज पता नहीं ओके

मैं आपसे ये कह रही थी फैसल कि जब मैं रिसर्च कर रही थी आज हमारे दो इंटरव्यूज़ थे और आपसे पहले जिनका मैंने किया उनके साथ भी मैंने यही देखा मुझे लगा आप लोगों ने स्टार्ट किया ऐसे आप यहाँ आए और फिर आपने आपकी होप चली गई आपने कहा ये सिस्टम जो है ना ऐसा ही है पर जैसे आपने अभी बोला कि वो ग्राउंड पे कर लो जो करना है ये जिनको नहीं समझ आ रही वो नहीं समझ सकते तो मैं सिर्फ ऑल तो आपने आंसर दे ही दिया है अब आई डोंट नो हाउ टू से इट मे बी आई कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू यू डोंट गिव अप बिकॉज yeah, अगर आप लोग करते रहे कुछ ना कुछ छोटा मोटा अगर नहीं भी फर्क पड़ रहा क्योंकि वरना चीजें चेंज नहीं होंगी हमारे यहाँ कभी भी हाँ लेकिन मैं भी हम लोग देखें आप आप अगर ये बात करती मैं नॉर्मली अभी जाहिद ने अपनी बहुत सारी वीडियोज डाली यूट्यूब पर उनके आप व्यूज देख लें सॉरी मैं और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं या इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं अनलेस uh, वो गाना बहुत मजे का ना हो True. तो उस पर नहीं आएंगे मैं बहुत ढकी छुपी बातें कर रहा हूँ लेकिन uh, सच्ची बात यह है कि आप इस तरह नहीं समझा सकते लोगों को उसको समझाने के लिए uh, आपको लाइटर मोड में hmm. लोगों के दिमागों में कुछ चीज़ें डालनी पड़ेंगी आप अगर कल की या परसों की ट्विटर पे ट्रेंडिंग देख लें तो मुझे इतना दुख हो रहा था जिस तरह से प, प, वो लोग पॉलिटिशन्स चाहे वो ख़ुत हैं या वो yeah. पॉलिटिशन की बीवियाँ हैं या उनकी बेटियाँ हैं या उनकी बहनें उनको जिस तरह से ट्रेंडिंग पे गालियाँ लोगों ने दी हुई हैं इस रियलिस्टिक एंड अनबिलीवेबल इस मुल्क में मुझे लगता है कभी कभी अब सिर्फ पॉलिटिक्स रह गई है yeah. और एंटरटेनमेंट जो है वो बहुत पीछे चली गई है mm. आप कोई भी बात करें आपके पीछे एक आवाम पड़ जाती है uh, बटे हुए हर कोई बटा हुआ है हर कोई बस लड़ने के लिए तैयार है, प्यार मोहब्बत से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है अगर मैं किसी की गलती जो मुझे लग रहा है जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे कोई मेरी गलती बताएगा तो मैं उसको सुनूंगा और मैं सोचूंगा कि मुझसे क्या गलती हो रही है आप किसी को गलत कह के आप आज एक ट्वीट करें किसी भी पॉलिटिशियन के लिए उसको आप गलत कह के दिखा दें मुझे आप एक्टर को गलत कह के दिखाते हैं वो नहीं नहीं आप, आप पाकिस्तानी एक्टर को आप गलत कहें अभी नी, अदनान नी, नी, ने, ने तो मेरी और शाहिद की एक तस्वीर शेयर की थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जितने पाकिस्तानी थे वो मुझे ही गालियाँ दे रहे थे सो ग्रेट और जबकि मैंने अदनान की उस जब अदनान ने उस पर जब वो लगाई थी तो मैंने उसको लिखा था मैंने कहा बहुत प्यारा है इज़ टू हैंडसम तो मैंने कहा तुम्हें गलत फहमी हो रही है तो उसे कहें मुझे ऐसे हंसते हुए लग रहा है तो वो फिर लोगों ने उस चीज़ को फिर अपने हमारे जो अपने मुल्क के लोग हैं वो हमें गालियाँ देते हैं तो यह आप आप तजर्बा कर लें नहीं, आप नहीं, मुझे, एक ट्वीट करें जिस आप मेरे खिलाफ आपके बहुत सात लोग होंगे और एक ट्वीट करें आप किसी हिंदुस्तानी एक्टर के खिलाफ फिर आपको अपने बारे में पता चलेगा जो आपको भी नहीं पता होगा अच्छा ये बताएं हमारी मेन वीकनेस क्या है स्क्रिप्ट्स या ऑडियंसस जो क्रिएटिविटी को अलाउ नहीं कर रही हैं अह uh, या टू मच कमर्शियलिज्म टू मच कमर्शियलिज्म भी कह सकते हैं कमर्शियलिज्म तो है ही नहीं अह uh, कमर्शियलिज्म होता तो फिर सेंसर भी थोड़ा सा ओपन होता लेकिन uh, मुझे लगता है कि uh, फंस गए अच्छा इनमें से कुछ भी नहीं है हम कुछ भी नहीं। हम फंस गए बिकॉज़ हमारी अपनी आइडेंटिटी नहीं है है अच्छा। लेकिन हम फंस गए ड्रामे में, में। खास तौर से मैं ड्रामे की बात कर रहा हूँ मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ हम फंस गए ऑडियंस की वजह से क्योंकि वो जो रेटिंग दे रहे हैं आप कुछ और बना लें उसकी रेटिंग ही नहीं आती, नहीं आती। तो हम कुएँ का मेंढक बनते जा रहे हैं उसकी वजह से और ये ये मुझे तो एक्चुअली डर लग रहा है पोर्टल्स विल वर्क आपने जो काम करना है आज़ाद होकर काम करें आप कर अभी वर्किंग ऑन इट हम Z5 पे देख रहे होंगे आपको बहुत जल्द या नहीं नहीं Z5 या दैट इज नॉट यू वी विल नॉट गो दैट डायरेक्ट नहीं मेरा बाबा जानी उस पे है मेरी lalulal.com yeah, उस पे है आई मीन द न्यू वेब सीरीज जो पता नहीं पता नहीं पता नहीं ओके okay, अगर इजाज़ इस्लाम को आपकी बाइक चाहिए और वो ले गए आपसे बोरो करके और वो रात को उनके पास से चोरी हो गई उन्होंने बाहर पार्क कर दी थी क्या रिएक्शन होगा आपका मेरा क्या रिएक्शन होगा इजाज के मजे के रिएक्शन आएंगे उस पर <laughs> क्या रिएक्शन आएंगे भाई अब कहाँ से दूंगा यार भाई <laughs> करते हैं कुछ यार तो पता ही नहीं चल बता देंगे वो आपको या नहीं बताएंगे नहीं नहीं बता देंगे <laughs> बता देंगे <laughs> <Okay>. बता देंगे <laughs> okay. वो एक एक बड़ा लंबा सा उसका मैसेज आएगा और मैं उस पर मान जाऊंगा थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू थैंक यू वी लव हैविंग यू हियर मज़ा आया बातचीत का क्या होप आपको बोर नहीं किया हमने नहीं नहीं थैंक यू सो मच <laughs> और कीप सपोर्ट पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री yeah. बहुत जरूरत है बहुत जरूरत है कोशिश करें जो गलतियाँ होती हैं पॉइंट आउट किया करें हुँ, हुँ, बिल्कुल मुकद्दर पे बड़ी लंबी बहस हो जाएगी इससे <laughs> एक और शो कर लेंगे <laughs> एक और शो नहीं बस अब हो गया हाँ। अब अफेयर पे बात होगी इनशाला ठीक है थैंक यू सो मच अच्छा एक लास्ट चीज़ जो हम अपने सारे गेस्ट को बोलते हैं कैन यू स्पेल फॉर अस एफ यू एस आई ए नो नो फिर बताए ना मुझे नहीं बता एफ 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 यू तक है अच्छा नहीं देख सकते अच्छा ठीक है नहीं F -u, मुझे चल, नहीं F एफ यू तक सही है सी C है कुछ <laughs> no. तो एफर्ट करें एफ यू सी आई नो नो एफ यू एफ यू सी एच यस यस एस यस आई ए यस बड़ा मुश्किल है भाई yes. वो देखें ठीक yes. 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 है बस yeah, yeah, yeah. ये हम एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन स्टार्टर या थोड़ा सा आइस ब्रेकर टाइप करते हैं ताकि आपको याद भी रहे याद रहेगा हाँ कुछ नहीं फिर भूलेगा आपको ठीक है सर्च करने में भी आसानी रहेगी ठीक है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आई होप आपको टॉप ऑफ द माइंड हमेशा रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक विद ऑल योर प्रोजेक्ट्स थैंक यू थैंक यू ओके अल्लाह हाफिज